हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप में। आज हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे काम करता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज निकलते हैं। जिस तरह स्मॉल में एक एक वाइंडिंग होती है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। पहला स्टार स्टार थ्री फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा डेल्टा डेल्टा, तीसरा स्टार डेल्टा और चौथा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। तीन फेज ट्रांसफार्मर में बिजली की तारों का रंग RYB यानी रेड येलो और ब्लू के रूप में लेके चलते हैं। अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग कलाओं या फेज के रूप में चलती हैं। स्टार स्टार थ्री फेज ट्रांसफार्मर को समझते हैं तो इसके दोनों सिरों पर फेज का डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री का होता है। अगर ध्यान से देखें तो इनका यूज़ गाँव में किया जाता है, जहाँ कम लोड की आवश्यकता होती है और जहाँ पर वोल्टेज की कम जरूरत पड़ती है। अगर इसका सर्किट देखें तो इसमें प्राथमिक सबस्टेशन होता है, वहाँ से तीन तार आते हैं जो द्वितीयक सबस्टेशन में आती हैं। तो तीन फेज के अलावा एक न्यूट्रल तार भी अर्थड करके तीनों फेज को मिलाकर बना लिया जाता है। यदि यह न्यूट्रल का तार ना हो तो थर्ड हार्मोनिक वेव्स कम इफेक्टिव होंगी। यह आपने कभी ना कभी सुना होगा कि एक फेज़ चला गया, जबकि घरों में थ्री फेज लाइन आती ही नहीं है। आती है तो सिंगल फेज़ की लाइन, फिर भी एक फेज चले जाने की वजह से हमारे घर की लाइट डिम हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि प्राइमरी सबस्टेशन में कोई खामी की वजह से यह दिक्कत आ रही है, जिस वजह से वोल्टेज कम आने लगता है। अगर हम माने कि हमारे घर में सामान्य तौर पर V वोल्टेज आता है और जब कभी भी इन ट्रांसफार्मर को एक फेज वोल्टेज नहीं मिलता, अर्थात उसका मान 0 हो गया, टेक्निकल भाषा में कहें कि उसके अंदर की वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या भी होती है, जिस वजह से वहाँ V फेज ना होकर V/√3 हो जाता है और यह वोल्टेज न्यून है और इसका सर्किट ओपन होने की वजह से इसमें थर्ड हार्मोनिक वेव्स अधिक प्रभावी होती हैं, जिससे वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है और हमारे घर का बल्ब धीमे जलता है, जिसका मेन रीज़न यही है। तो बात करते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में। यह ट्रांसफार्मर बड़े आकार के होते हैं, जिनका यूज़ बहुत हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, जैसे कि 440 kV को 11 kV से चेंज करने के लिए। इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं इसका यूज़ पावर हाउस में होता है। इसमें भी फेज का डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। तो बात करें स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की, तो इसका यूज़ इंटरमीडिएट सबस्टेशन में किया जाता है और यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसको ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो बात करें ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार कनेक्शन की, तो इसमें वोल्टेज का स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्टार वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए और डेल्टा वाइंडिंग लो वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है। इसमें इनपुट में तीन तार दिए जाते हैं और आउटपुट में हमें तीन फेज के तार मिलते हैं और एक न्यूट्रल का तार भी मिलता है। इसको शहरों में हमारे आसपास इन ट्रांसफार्मर को आसानी से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से जहां सिंगल फेज की आवश्यकता होती है वहां सिंगल फेज और जहां थ्री फेज की घरों में ज़रूरत पड़ती है वहां थ्री फेज दिया जाता है। खंभों से थ्री फेज की लाइन और एक न्यूट्रल की तार आर्मेट केबल के द्वारा उतार दिया जाता है और लोड के अनुसार आर्मेट केबल यूज़ में लाई जाती है। इसमें फेज का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री का होता है। आप अपने घर के पास में खंभों को देख सकते हैं, लोड के अनुसार उस पर उतना मोटा इंसुलेशन लगाया जाता है। स्टेप डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि फेज की लाइन साइन वेव के रूप में चलती है और तीनों फेज की वेव्स एक दूसरे से 30 डिग्री के अंतर पर चलती हैं, तो इसे ही कहते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट और इसको एंगल के रूप में दिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।